आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ये महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सेशन को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहना साथ में ही। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है वर्ण। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वॉइस सभी को आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, वॉइस आ रही है सबको? कमेंट कीजिए जल्दी से। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए आंसर ले लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब एक बार इसके ऑप्शंस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ण को ही देख लेते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया होगा। अब शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। शब्द क्या होता है? एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक शब्द कहलाती है, जैसे कमल। एक से अधिक वर्णों के मेल से जो स्वतंत्र सार्थक इकाई बनती है वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है, जैसे शब्द हो गया हमारा कमल। ठीक है, समझ में आ गया होगा शब्द। अब व्यंजन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। अब बात करते हैं हम स्वर के बारे में। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 13 होती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। वर्णमाला किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें सभी अपने अपने। ऑप्शन ए है शब्द समूहों को, ऑप्शन बी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी है शब्द गणना को, ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूहों को। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर होगा इसका वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए। ऑप्शन है हमारे ए और आ, ऑप्शन बी है हमारा के और ख, ऑप्शन सी है हमारा थ और ध, ऑप्शन डी है हमारा फ और भ। कौन सा शब्द है जो अल्पप्राण वर्ण में आते हैं? कौन सा वर्ण है ऐसा?
चलिए आंसर दे देते हैं, कै और खै। का और खा जो हैं ये किसमें आते हैं? अल्पप्राण वर्ण होते हैं का और खा। चलो बात कर लेते हैं कि अल्पप्राण होता क्या है। अल्पप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं? हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्प से ही पता चल रहा है, नाम से ही अल्प का मतलब क्या होता है? कम। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। एक चीज़ और इसके बारे में नोटिस कर लीजिए, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है। जैसे का वर्ग को ले लेते हैं हम, का, खा, गा, घा। इसमें अल्पप्राण कौन कौन से होंगे? का होगा, गा होगा और अणा होगा। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होगा? अल्पप्राण होगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण बताना है। ऑप्शन है हमारा खा, ऑप्शन बी है हमारा धा, ऑप्शन सी है हमारा भा और ऑप्शन डी है हमारा मा। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना। सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा माँ। माँ जो है ये अमानक वर्ण है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है मूल स्वर, ऑप्शन नंबर बी है घोष वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है तालव्य। तो छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आंसर दें कमेंट बॉक्स में सभी। इसका आंसर मैं उम्मीद करूंगी सभी को पता होगा और जिनको नहीं पता होगा अभी पता चल जाएगा। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी। किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी का भी। चलो इसे सही से पढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना। ऑप्शन ए है हमारा का, ऑप्शन बी है हमारा छा, ऑप्शन सी है हमारा त्रा और ऑप्शन डी है हमारा ग्या। तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। किसके बाद आता है? का के बाद आता है। अब ऐसे मत करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पूरे ऐप एन आर और आप आम और ये सारा लिख लो, ऐसा नहीं करना है। ये देखना है कि छा अक्षर किन किन वर्णों से मिलकर बनता है। संयुक्त वर्ण है ना ये, ओके। इस बात पर भी हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन इससे मैंने कई सारे बनाए हैं, इम्पोर्टेंट है इसलिए। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ज्ञेय वर्ण किन वर्णों से संयोग से बना है? किन वर्णों के संयोग से होना चाहिए आंसर क्वेश्चन हमारा। ज्ञेय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? कमेंट बॉक्स में इतना आप आंसर दे दीजिए, मैं ऑप्शन बोल देती हूँ। ऑप्शन ए है हमारा जय प्लस या, ऑप्शन बी है हमारा
हलंत के साथ जय प्लस इया, और ऑप्शन सी है हमारा जय प्लस धय, और ऑप्शन डी है हमारा जय प्लस न्य। इस प्लस को आप जरूरी नहीं है प्लस ही बोलें, जमा भी बोल सकते हैं। धन भी बोल सकते हैं आप प्लस को, वैसे हिंदी में धन ही बोलते हैं। चलिए आंसर आ रहे हैं सभी के, आंसर बता देते हैं अब। इसका आंसर है इसका हलंत वाला जय और यहाँ गय जो बनता है हमारा, हलंत वाले जय और यहाँ से मिलकर बनता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जय, ऑप्शन नंबर सी है हमारा है, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा से। अघोष वर्ण बताना है। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहें। चलिए आंसर बता देते हैं इसका, आंसर होगा इसका से, अघोष वर्ण है इसमें से। अब अघोष वर्ण होते क्या हैं ये देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है। जैसे क वर्ग को ले लो, का और खा वर्ग अघोष होगा इसमें, च वर्ग में चा और छ अघोष होगा। हर वर्ग का ऐसे ही पहला और दूसरा वर्ग अघोष होगा वर्ण। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिन शब्दों के अंत में एस आता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा अनुस्वार, ऑप्शन बी है हमारा योगवाय, ऑप्शन सी है हमारा अंतस्थ, ऑप्शन डी है हमारा अकारांत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना। चलिए आंसर बता देते हैं, आंसर होगा इसका अकारांत। जिन शब्दों के अंत में एस आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। इसके ऑप्शंस इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे। जैसे अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं। अनुस्वार की ध्वनि जो होती है वो नाक से निकलती है। जैसे इसे अनुस्वार, ये अनुस्वार का चिन्ह होता है ये वाला। जैसे शब्द लिख के बता रही हूँ मैं, अंगूर, ये अनुस्वार होता है। अब हम आगे बात करेंगे अयोगवाय की, अयोगवाय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाय कहते हैं। ऐसे वर्ण हैं कौन 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 से? ये है अयोगवाय एक तो, और एक अंग और एक अण, ये दोनों वर्ण हमारे अयोगवाय हैं। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये रे ले वे, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अकारांत को हमने पढ़ी लिया है प्रश्न में। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, छह वर्ण किसके योग से बना है? प्रश्न है हमारा छह वर्ण किसके योग से बना है, आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन बोल रही हूँ मैं, ऑप्शन ए है का और सा, ऑप्शन बी है का और चा,
ऑप्शन सी है का और छा, ऑप्शन डी है का और शा। ये प्रश्न सभी को पता होगा, चलिए आंसर बता देते हैं इसका। बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आ रहा है इसका। लगभग आंसर है इसका का और शा। ध्यान रहे का में हलंत लगा हुआ है और सा सरकौट वाली सा बनी हुई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अनुनासिक का संबंध होता है, ऑप्शन ए है केवल नाक से, ऑप्शन बी है केवल मुंह से, ऑप्शन सी है नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए आंसर बता देते हैं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है, वो क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक वर्ड लिखे कैसे जाते हैं? जैसे इसमें ये मुंह शब्द लिखा हुआ है, ये अनुनासिक है। इसका चिन्ह होता है ये वाला चंद्र बिंदु जिसे हम बोलते हैं, और शब्द लिखे दे रही हूँ मैं अनुनासिक वाले, जैसे आँख, जैसे चांद, अनुनासिक शब्द हैं ये। अब इसके ऑप्शन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे केवल नाक से हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अनुस्वार होते हैं वो, जिनमें केवल नाक से, जो मतलब नाक से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अनुस्वार शब्द होते हैं वो, जैसे अंगूर, ठीक है। और इसमें ऑप्शन बी को देख लेते हैं थोड़ा। जो केवल मुंह से बोले जाते हैं ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? निरुनाशिक कहते हैं उन्हें, जो केवल मुंह से बोले जाते हैं निरुनाशिक। जैसे शब्द है हमारा आप या अपने, ये निरुनाशिक शब्द होते हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है हमारा, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वर्ग के पंचमाक्षर, ऑप्शन नंबर बी है वर्ग के तृतीयाक्षर, ऑप्शन नंबर सी है वर्ग के चतुर्थाक्षर, ऑप्शन नंबर डी है वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अभी मैंने पीछे बताया है अनुनासिक व्यंजन के बारे में। इस क्वेश्चन में आंसर ले लेते हैं। चलो आंसर क्या होगा हमारा? वर्ग के पंचमाक्षर, जो वर्ग का पंचमाक्षर होता है वो क्या होगा? अनुनासिक होगा। ये हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इस सेशन को ज़रूर शेयर कर दें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलें ही ना।